हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, डिवोर्स, एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को किस तरह से दे सकता है, उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई हैं। तलाके हसन का क्या प्रोसीजर है, तलाके एहसन का क्या प्रोसीजर है, तीन तलाक को किस तरीके से बैन किया गया है और कौन सी तलाक आज भी मुस्लिम हस्बैंड यूज कर सकता है, ये सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मेरे व्यूवर्स में से किसी एक व्यूवर ने एक क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया कि सर, अगर मैं अपनी वाइफ को तलाके हसन या तलाके एहसन में से कोई भी एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर मैं उसको डिवोर्स दे देता हूं, तो क्या मेरी वाइफ मेरे ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस या डिमांड ऑफ डॉरी के केस या मेंटेनेंस का केस मेरे ऊपर फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती। ये एक क्वेश्चन मेरे एक व्यूवर ने मुझसे पूछा, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि अपने व्यूअर्स के लिए एड्रेस करना जरूरी है। फ्रेंड्स, एक बात ये समझिए कि जब भी कभी भी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू होता है, तो उसमें वाइफ का ये राइट है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर अगर डिमांड ऑफ डॉरी है या डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस, तीनों में से कोई भी केस, एक या तीनों केस वो अपने हस्बैंड के ऊपर फाइल कर सकती है। सपोज एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाके हसन के तीनों तलाक एज पर लॉ, जो मुस्लिम लॉ है, उसके अकॉर्डिंग दे दी। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या तीनों तलाक के नोटिस रिसीव अगर वाइफ ने कर लिए हैं, तो क्या उसका ये राइट खत्म हो जाता है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है नो। एक वाइफ का राइट एक अपने हस्बैंड के ऊपर केसेस फाइल करने का हमेशा रहता है। यानी कि अगर आपने तलाक अपनी वाइफ को दी है, तो भी वो आपके ऊपर इन तीनों में से कोई एक केस कर सकती है या तीनों केस कर सकती है। और आप अगर तलाक दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उसका ये राइट है कि अगर वो आपके ऊपर ये केसेस फाइल कर सकती है, चाहे ये केसेस आपके झूठे हों या सच्चे हों। ये एक मैटर ऑफ ट्रायल है, जो कि बाद में जब आपके ऊपर केस चलता है, आप अपना डिफेंस लाते हैं और साबित करते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है, डिवोर्स के नोटिसेस दे दिए हैं, तो मैं अपनी वाइफ से को अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूं कि मैं मेरी वाइफ मेरे ऊपर कोई भी केस ना कर पाए? फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता हूं कि जिस तरह से इन कानूनों को डिजाइन किया गया है, जैसे डिमांड ऑफ डॉरी है, मेंटेनेंस का केस है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर है, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 12 है, इन सारे केसेस को फाइल करने के लिए किसी भी लड़की को के पास अगर एक झूठी कहानी भी है, वो एक फॉल्स एलिगेशंस भी लगा देती है, और जिसके पीछे कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई पब्लिक विटनेस, आई विटनेस नहीं है, तब भी इन केसेस को फाइल किया जा सकता है। फाइल करने के बाद या एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के बाद प्रॉपर एक ट्रायल कोर्ट के अंदर चलता है, जिसमें हस्बैंड को अपना डिफेंस लाने का मौका मिलता है। और जब हस्बैंड अपने डिफेंस को लेकर आता है, तो फिर उसके बाद उसका एक्विटल होता है या वो बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर से आपका गुजरना जरूरी है अगर वाइफ आपके ऊपर आपका केस करती है। कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है, कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो आप अपोजिट पार्टी को भेज दें या लीगल नोटिस भेजें या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लगा दें, जिसको फाइल करने के बाद अपोजिट पार्टी यानी कि वाइफ अपने हस्बैंड पे केस करने से रुक जाए। ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा केस उसने बिल्कुल 100% झूठा बना दिया है, जिसका प्राइमा फेशाई जो ऐसा लगता है कि इसके पीछे आयोटा ऑफ ट्रुथ है ही नहीं, एक छोटा सा भी उसके अंदर सच नहीं है, और आप कोर्ट के अंदर अगर ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आप ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो बहुत सारे मैटर्स में हमने ये भी देखा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एफआईआर्स को क्वैश भी कर देती है, और सेक्शन 125 मेंटेनेंस के केसेस को भी अगर आप सही से कंटेस्ट करते हैं, उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ती है। ऐसे ही सेक्शन 12 डीबी एक्ट के अंदर भी है कि अगर 100% ही कोई झूठा केस लगा दिया है और आप कोर्ट के अंदर ये शुरुआत में ही साबित कर देते हैं, तो वो प्रोसीडिंग भी आपकी क्वैश हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो फ्रेंड, जहां से मैंने अपने इस वीडियो को शुरू किया था वो ये है कि क्या तलाके हसन और तलाके एहसन देने के बाद कोई पत्नी अपने हस्बैंड के ऊपर केस करने का इख्तियार रखती है, राइट रखती है? तो यस, इसका आंसर है यस। सिर्फ आपके नोटिस देने से आपकी राय, आपकी वाइफ का राइट खत्म नहीं होता है आपके ऊपर केस करने का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे उसे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर